प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट रॉयल वेडिंग्स एवर सीन। हालांकि अब तक शादी की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन शादी कैसे हुई, कब हुई, ये डिटेल सोशल मीडिया पर लीक हुई। लेकिन शादी के दौरान एक एपिसोड ने डाल दिया है शादीशुदा जोड़ी प्रियंका और निक को एक बड़ी मुसीबत में। प्रियंका और निक पर आरोप है कि शादी के दौरान उन्होंने पशुओं के साथ क्रूरता दिखाई। ये आरोप पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने लगाया है और इससे रिलेटेड उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो भी रिलीज किया है। खबरें थी कि प्रियंका निक की शादी में हाथी और घोड़े का इस्तेमाल किया गया था। निक जोनस घोड़े की सवारी कर शादी के मंडप तक पहुंचे थे। शादी में जानवरों के इस्तेमाल पर पेटा ने नाराजगी जताई। लिखा, प्रिय प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, आपने अपनी शादी में बंधे हुए हाथियों के इस्तेमाल किया, घोड़ों का इस्तेमाल किया जिन्हें कोड़ों से कंट्रोल किया जाता है। आजकल लोग जानवरों की राइड रिजेक्ट कर रहे हैं और शादियों में भी घोड़ों के इस्तेमाल से बच रहे हैं। आपको बधाई, लेकिन हमें अफसोस है कि यह जानवरों के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। डियर प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस, एल्स फॉर वेडिंग्स लाइव एंड चेन्स एंड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड विद व्हिप स्पाइक्ड बिट्स। People are rejecting L rides and having horse-free weddings. Congrats, but we regret it was not a happy day for animals. Well, PETA ने तो अपनी बात रख दी है। आपको बताते चले कि शादी के दिन दिसंबर 1 को उम्मीद भवन में पटाखे फोड़ने को लेकर भी प्रियंका को सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब फटकार लगाई थी। और अब PETA का इल्जाम। अब इस पर प्रियंका और निक के रिएक्शन का इंतजार है। आपके क्या रिएक्शन है इस पर?